आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का एक बयान सामने आया। एक बार फिर उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि धन को धन से लड़ाने का काम दिग्विजय करते हैं। मध्य प्रदेश में पीएफआई की बढ़ती सक्रियता पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि एमपी में किसी भी देशद्रोही को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मौसमी बीमारियों वाले कमलनाथ के ट्वीट को लेकर भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ बिना जानकारी के ट्वीट कर रहे हैं। सरकार वायरल फीवर, डेंगू, कोरोना सब बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। अब दिग्विजय सिंह जी के पास ये दिव्य ज्ञान कहां से आया मुझे नहीं मालूम, पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि दिग्विजय सिंह जी केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति को क्यों बढ़ाना चाहते हैं। उनके मन और मस्तिष्क में हर समय वर्ग संघर्ष कराना, धर्म से धर्म को लड़ाना और समाज में विभेद फैलाने के अलावा और कोई विचार क्यों नहीं आते। दिग्विजय सिंह जी का इस बयान के पीछे क्या मंतव्य है ये हिंदू समाज जानता है। और मैं फिर कहूँगा कि दिग्विजय सिंह जी केवल तुष्टीकरण की राजनीति ही नहीं करते बल्कि वो बहुसंख्यक समाज को हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और जैसा मैं पहले कहते आया हूँ कि वो पाकिस्तान परस्ती की राजनीति करते हैं, उनका एजेंडा केवल और केवल इस देश के मान और सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचे दिखाना है, हिंदुओं को अपमानित करना है, हिंदुत्व को अपमानित करना है और अपने तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से केवल वोट बैंक की राजनीति करना है। बता दें कि बैरागढ़ में स्वास्थ्य मंत्रालय का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल विधायक की मांग पर बैरागढ़ सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन किया गया था जिसका लोकार्पण करने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पहुंचे थे। जब स्वास्थ्य मंत्री लोकार्पण करने पहुंचे तब बैरागढ़ के बीजेपी नेताओं पदाधिकारियों ने प्रभुराम चौधरी के स्वागत के लिए हुरमत और सभी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। यहां तक कि विधायक रामेश्वर शर्मा सहित कई बीजेपी के पदाधिकारी बिना मास्क लगाए कोरोना की थर्ड वेव को आमंत्रण देते नजर आए। इंदौर पुलिस ने बैटरी कारोबारी सौम्य जैन से 1,70,000 रुपए लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई राशि और 3 बाइक, 1 कार और 3 फर्जी बाइक के नंबर प्लेट बरामद की। दरअसल जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के माणिकबाग ब्रिज के नीचे पिछले दिनों स्कीम नंबर 71 निवासी सौम्य जैन को रात में बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त लूट लिया जब वो अपनी कार से घर लौटा। सौम्य ने पुलिस को बताया कि बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उससे कहा कि आप टक्कर मार के भागे। जब फरियादी बात करने के लिए कार से बाहर निकला उसी समय बदमाशों ने कार का कांच फोड़कर 1,70,000 रुपये से भरा बैग निकाल लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। वहीं मंगलवार को इंदौर से 5 आरोपी और नागपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि वो रैकी और लूटपाट करते हैं। वहीं इंदौर पुलिस ने अन्य जिलों के पुलिस अधिकारियों को भी आरोपी के बारे में सूचना दे दी है ताकि वो भी इस प्रकार की घटना हुई तो पता लगा सके। वह अपनी गाड़ी से घर जा रहे थे, रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर 2 लोगों ने आकर उसको रोका और बोला कि आपने पीछे एक्सीडेंट कर दिया है, आप उसका इलाज कराइए। फरियादी सौम्य ने बताया कि मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया और वो आगे बढ़ा। इतनी देर में 2 अन्य मोटरसाइकिल से 4 लोग और आ गए और उन्होंने उसको घेर लिया। उससे कहा नहीं तुमने जबरदस्ती एक्सीडेंट किया, उसके पैसे दो, इलाज कराओ,
और इस बात पर से विवाद करने लगे और उन्हीं में से एक अपराधी ने उसकी गाड़ी का कार का कांच तोड़कर उसमें रखे 1,70,000 रुपये लेकर भाग गया। फरियादी की सूचना पर थाना जूनी पर प्रकरण कायम कर भोपाल के होटल में पलवल हरियाणा की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप करने के आरोप में अशोका गार्डन पुलिस ने डिंडोरी से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनमें एक भाजपा का पदाधिकारी भी है, जबकि दूसरा आरोपी जेडीयू डिंडोरी का जिला अध्यक्ष है। पुलिस ने बताया कि डिंडोरी भाजपा जिला कार्यालय मनीष नायक, जेडीयू का जिला अध्यक्ष वकील दिनेश अवधिया और पेट्रोल पंप संचालक अमित सोनी को हिरासत में लिया गया है। इन पर किशोरी से गैंगरेप करने का आरोप है। इस मामले में 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को पूर्व में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एसपी साउथ साई कृष्ण ने बताया कि तीनों आरोपियों की जानकारी होटल के दस्तावेज से मिली थी। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मिड अगस्त में एक मुकदमा कायम किया था, जिसमें एक 17 साल 8 महीने लगभग की बच्ची है, जिसने आगे कंप्लेंट किया था कि उसके साथ गलत काम हुआ है। उसने ये बताया था कि पारुल सीमा और एक सैफ नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने ये लड़की पारुल से आगरा में मिली थी, वहाँ से उसको भोपाल लाई है और यहाँ पे लाकर उससे गलत काम कराया है। इसी संदर्भ में उसने और 3 व्यक्तियों के बारे में बताया था, जिन्होंने टीटी नगर के होटल में उसके साथ गलत काम किया था। तो वो होटल से डिटेल्स निकाले गए, इनका पता चला कि ये लोग डिंडोरी के रहने वाले हैं, तो टीम वहाँ पे भेजी गई। टीम ने वहाँ से 3 लोगों को अरेस्ट किया है और टीम रवाना हुई है भोपाल के लिए। भोपाल के हबीबगंज से एक 8 साल की मासूम से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बाथरूम करने गई एक बच्ची से मोहल्ले के एक युवक ने छेड़छाड़ कर दी। बता दें कि जब नाबालिग बाथरूम करने गई तो युवक बाथरूम के पास छिपकर खड़ा हुआ था और ताक झांक करने लगा। तभी नाबालिग के परिजन आ गए और युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने छेड़खानी का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज़। नमस्कार।